ठीक है। और सुनो चलो चलो ये लगा दो बैठ नंबर 13 बैटरी से वाह। जी काफ़ी मशक्क़त के बाद पता चला कि आपको टिकट मिला है। इस बार अगर आप जीतते हैं तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? मशक्क़त तो था ही नहीं, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बस 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 ये सबसे पहले मेरा मुख्य मुद्दा है सुभाषपुर जो पीपा पुल वाला है। मैं इस बार सरकार में आएंगे, बिहार की जनता ने यह ठान रखी है कि बिहार में जो भूमि और पखंडी सरकार उसको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है, और जो कि किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है, ये इस बार इसकी पतन होगी। और बिहार के भावी मुख्यमंत्री बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मेरे पर पूरा विश्वास करके मुझे सिंबल दिया, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने राजमाता जी को जिन्होंने मुझे सिंबल दिया के बड़ारा विधानसभा के बीच में मुझे अपने प्रत्याशी के रूप में और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में मुझे भेजने का काम किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा बड़ारा की जनता को भी कि मुझे एक बार तो निर्वाचित करके बिहार विधानसभा के सदस्य बनाए, लेकिन मुझे इस बार भी जिस तरह से जन सलाब मेरे साथ है, युवाओं का साथ है, और जिस तरह से हमारे बड़े भाई बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बेरोजगारी का मुद्दा प्राथमिकता से उठाने का काम किया है, मुझे विश्वास है कि सभी बेरोजगार नौजवान मेरे साथ। कितनी बड़ी लड़ाई आपकी रहेगी, कितना उनको आप दावेदार मानते हैं? देखिए मेरी लड़ाई किसी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो गरीब गुरबा बढ़ा रहा है कि गरीब जनता लड़ रही है, और जहाँ गरीब लड़ेगा वहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं रहेगी।